हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा व्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी बोर्ड मैट लिप लाइनर का रिव्यू और डेमो। तो यहाँ पर आप लोग मेरे हाथ पे बॉक्स देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट सा बॉक्स मेरे हाथ पर है। और ये जो बॉक्स है बहुत ही छोटा सा बॉक्स है, लेकिन इसमें शेड आपको 12 शेड्स मिलते हैं जो कि अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। तो ये जो बॉक्स मेरे हाथ पर है, ये है स्विस ब्यूटी के बोर्ड मैट लिप लाइनर। इसमें आपको मिल जाते हैं 12 शेड्स। तो इसका आप ऊपर से ओवरऑल लुक देख सकते हैं, कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। और इसमें पीछे की तरफ हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है, स्विस ब्यूटी बोर्ड लिप लाइनर है जो मैट टेक्स्चर दैट वेटलेसली डिफाइंस योर लिप्स फॉर ए लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ लिप लाइनर है ये, और मॉइस्चराइज करता है आपके लिप्स को। और इसमें नीचे इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं और इसमें प्राइस भी दिया हुआ है जो कि है 599 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोग इसके शेड्स देख लेंगे। तो इस तरीके का बॉक्स ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं 12 शेड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और सारे शेड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसमें आपको रेड, मैरून, पर्पल, पिंक, हॉट रेड सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ब्राउन में इसमें 2-3 शेड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग शेड्स हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। तो चलिए एक एक करके इन लिप लाइनर को देखेंगे कि कितने ज़्यादा ये पिगमेंटेड हैं और कैसे लग रहे हैं अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर आपको शेड्स मिलते हैं ब्राइट मैरून, पिंक क्रश, मैरून, रॉयल रेड, फ्रूट पंच, हॉट रेड 05, ऑरेंज रेड, पर्पल, चेरी ब्राउन, चोको न्यूड, डार्क चॉकलेट एंड बर्गंडी। और इन सभी के 1-1 करके नंबर लिखा है, 1, 2, 3 करके। तो जो इतने मैंने आपको नाम बताए, ये टोटल आप 12 शेड्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे शेड्स हैं। तो चलिए इनको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक एक करके मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊंगी कितने ज़्यादा पिगमेंटेड हैं सारे 12 शेड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। और कलर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम ब्राइट कलर लग रहा है। तो इसे आप एज ए लिपस्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। मैंने पहले भी काफ़ी लिप लाइनर यूज़ किए हैं, लेकिन मतलब इतने ज़्यादा पिगमेंटेड मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर आप लोग सारे शेड्स देख सकते हैं जो जो आपको इसमें मिलते हैं। तो चलिए अब इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी ऑरेंज रेड 08। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। जब आप लोग इसको अप्लाई करेंगे तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लगेगा और ईजिली आपके लिप्स पर लग जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको लिप बाम ज़रूर अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे लिप्स पे मैंने इसको पूरा अप्लाई कर लिया है, एज ए लिपस्टिक मैंने इसको यूज़ किया है। और बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है, बहुत ही अच्छा शेड लग रहा है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पिंक क्रश कलर है, ये पिंक क्रश शेड 10 नंबर है। और यहाँ पर इसको मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी, कुछ 3 या 4 कलर शेड्स मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि बाकी जितने भी शेड हैं वो इसी में लाइट और डार्क में हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने अप्लाई कर लिया है, अब आप लोग इसको भी देख सकते हैं कितना सुंदर शेड लग रहा है। तो इनको आप ऐसे लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, मुझे काफ़ी अमेजिंग लगी है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो फ्रेंड्स, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर चेकआउट करें। और यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट मेरे हाथ पर है फ्रूट पंच, जो कि काफ़ी अच्छा शेड लगा मुझे, फ्रूट पंच 04। तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और नेक्स्ट जो मेरे हाथ पर है वो है पर्पल 11। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।